अब अगर हमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर को इस तरीके से इस्तेमाल करना हो कि हम इसे जो है कंपैरेटर के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो जब हमें इसे कंपैरेटर के तौर पर इस्तेमाल करना हो तो उस वक्त हम जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर को इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि ये हमारे पास एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर में हम लोग क्या करते हैं हमें मालूम है कि ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है हम क्या करते हैं कि नेगेटिव टर्मिनल को यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल जो है यहाँ पे एक वोल्टेज के साथ अप्लाई कर देते हैं जिसका वोल्टेज V है किसी भी टाइम यहाँ पे जो हमारे पास V नेगेटिव है वो हमारे पास इक्वल आ जाता है V के जो कि हम लोगों ने यहाँ पे एक वेरिएबल सोर्स अटैच कर दिया है और जो हमारे पास V पॉजिटिव है उसे हम लोग क्या करते हैं कि उसे हम लोग यहाँ पर वी आर के साथ कनेक्टेड कर देते हैं वी आर जो है वो बेसिकली हमारे पास पोटेंशियल डिवाइडर है जिसे हम लोग इस सर्किट के अंदर यूज़ करते हैं ये हमारे पास एक पोटेंशियल डिवाइडर है क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा जो वी पॉजिटिव होता है इसे हम लोग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल कहते हैं और जो वी नेगेटिव है इसे इन्वर्टिंग टर्मिनल कहते हैं तो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया अपने इन्वर्टिंग टर्मिनल को जो है एक वेरिएबल सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया और जो हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसे वी आर जो है पोटेंशियल डिवाइडर के साथ कनेक्ट कर दिया अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से एक वायर देके यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइडर आ जाता है इस तरीके से हम पोटेंशियल डिवाइडर के साथ इसे कनेक्ट कर देते हैं और ये पोटेंशियल डिवाइडर जो है यहाँ पे इसके साथ एक सर्किट लगा होता है एक बैटरी होती है इस तरीके से उसे हम लोग ई कह देते हैं और इस तरीके से ये जो है इसके साथ कनेक्टेड होता है इस तरीके से इसके साथ कनेक्ट हो गया और यहाँ पे हम यहाँ पे एक और सोर्स प्रोवाइड कर देते हैं जिसे हम लोग वी सी सी कहते हैं इसे वी सी सी बायस बना देते हैं जो कि हमें यहाँ पर वी नॉट इनपुट आउटपुट वोल्टेज जो है वो प्रोवाइड करता है इस वी सी सी ने बेसिकली हमारे पास यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज बनाना होता है अब ये हमारे पास सर्किट है जो कि कंपैरेटर का सर्किट होता है कंपैरेटर के सर्किट में बेसिकली हम लोग क्या चीज़ यूज़ करते हैं कि हम यहाँ पे एक पोटेंशियल डिवाइडर ले आते हैं और पोटेंशियल डिवाइडर के साथ साथ हमारे पास एक ऑपरेशन एम्पलीफायर होता है बेसिकली हमारे पास होता सिर्फ एक जो है ऑपरेशन एम्पलीफायर है उसके साथ हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा सर्किट को एक्सटेंड करके यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल डिवाइडर लगा देते हैं कंपैरेटर को जो है हम बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल करते हैं अभी हम कंपैरेटर की एक एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे कि हम किस तरीके से इसे नाइट स्विच के तौर पर इस्तेमाल करते हैं वो भी हम लोग ये ऑपरेशन एम्पलीफायर के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके ही करते हैं अब बेसिकली इसमें होता क्या है कि ये जो हमारे पास वी नोट है ना ये हमारे पास आउटपुट होता है ये आउटपुट वोल्टेज अगर तो हमारे पास पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर ये पॉजिटिव आ गया है तो वी पॉजिटिव जो है ये वाली हमारे पास वोल्टेज ये हमारे पास वी पॉजिटिव है ये हमारे पास वी नेगेटिव तो इसका मतलब है कि हमारे पास वी पॉजिटिव वोल्टेज जो है वो ग्रेटर देन है वी नेगेटिव के साथ और इसका बेसिकली इनडायरेक्टली मतलब ये होगा कि वी आर जो है वो ग्रेटर देन है हमारे वेरिएबल सोर्स से जो हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है और अगर हमारे पास वी नोट यानी कि जो आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगा वो नेगेटिव हो जाए तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास वी नेगेटिव जो है वो ग्रेटर देन है वी पॉजिटिव तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेरिएबल सोर्स है वो ग्रेटर देन हो गया हमारे पास पोटेंशियल डिवाइडर के सोर्स से और अगर ये चीज़ इस तरीके से आ जाती है कि हमारे पास वी नॉट जो है वो जीरो के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास वी नेगेटिव जो है वो वी पॉजिटिव के इक्वल है तो बेसिकली आप इसे तीन रिजल्ट्स निकाल सकते हैं एक दो और ये तीन फर्स्ट रिजल्ट हमें ये बताता है कि वी नॉट जो है वो पॉजिटिव होगा और जब ये पॉजिटिव होगा तो उस सिचुएशन में हमारे पास वी आर जो हमारे पास पोटेंशियल डिवाइडर का वोल्टेज है वो वेरिएबल सोर्स के वोल्टेज से ज़्यादा होगा दूसरी चीज़ ये कि अगर वी नॉट हमारे पास नेगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब है कि वेरिएबल सोर्स का वोल्टेज है वो ग्रेटर देन है हमारे पास पोटेंशियल डिवाइडर के वोल्टेज से और अगर हमारे पास वी नॉट जो है वो जीरो आ जाता है तो इसका मतलब है कि वी आर बराबर है हमारे वेरिएबल सोर्स के इसका मतलब क्या होता है इस कंपैरेटर से हमें पता क्या चलेगा हम लोग जो है नाइट स्विच को इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं कि अगर तो हमारे पास पॉजिटिव साइन आ जाता है तो हम बाद स्विचेस में ये फंक्शन रखते हैं कि अगर हमारे पास पॉजिटिव साइन आ जाए तो इसका मतलब है सर्किट में लगे हुए स्विच वगैरह को ऑन हो जाना चाहिए और अगर हम लोग नेगेटिव साइन आ जाता है यानी कि वी नॉट नेगेटिव वैल्यू दे देता है तो इसका मतलब है कि उस कंपैरेटर के अंदर कोई ना कोई हम लोगों ने इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह कुछ भी लगाया हो सकता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह उसे उस वक्त ऑफ हो जाना चाहिए तो इस कंसेप्ट को इस नेगेटिव और माइनस आने माइनस जो आता है हमारे पास साइन इसके कंसेप्ट को हम कंपैरेटर के अंदर लगा देते हैं और कंपैरेटर के साथ हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह लगा देते हैं और इसे हम लोग नाइट स्विच के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं अब फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने कंपैरेटर को नाइट स्विच के तौर पर इस्तेमाल करना है तो
जो है नट स्विच बनाने के लिए यानी कि कंपैरेटर को ऐसा नट स्विच इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसके अंदर हम लोग कंपैरेटर का कंसेप्ट यूज़ करते हैं और उसे इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि नट स्विच के तौर पर इस्तेमाल हो सके। ये हमारे पास जो है वी नोट है और ये हमारे पास नेगेटिव है और ये हमारे पास पॉजिटिव पोटेंशियल है। हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एक सर्किट यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम लोग जो है तीन रेजिस्टेंस इस्तेमाल कर लेते हैं और एक रेजिस्टेंस और इस्तेमाल कर लेते हैं जिसे हम लोग लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टेंस कहते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है चार रेजिस्टेंस इस्तेमाल कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये हमारे पास जो रेजिस्टेंस यहाँ पर आ रही है इसे हम RLD कहेंगे यानी कि लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टेंस। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक और रेजिस्टेंस आ जाती है, सिमिलरली यहाँ पे भी हम एक रेजिस्टेंस लगा लेते हैं और यहाँ पर भी हमारे पास एक रेजिस्टेंस आ जाती है। तो बेसिकली इसके अंदर हम क्या करते हैं कि R1, R2 और R3 हम लोग रेजिस्टेंस यूज़ कर लेते हैं, RLD जो है हमारे पास लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टेंस आ जाती है। ये हमारे पास अब रेजिस्टेंस R1 है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस R2 है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस R3 है। अब हमें कंपैरेटर को एज अ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के तौर पर यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये जो वी अब नाइट स्विच को एज अ कंपैरेटर यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास वी पॉजिटिव टर्मिनल है इस वी पॉजिटिव को क्या करते हैं कि हम यहाँ से इस रेजिस्टेंस R2 के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इस तरीके से यहाँ पर ये कनेक्ट हो गई और जो हमारे पास वी नेगेटिव है इस वी नेगेटिव को हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ पर हम इस वी नॉट के साथ यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगा देते हैं, एक सर्किट होता है और इसके आगे जो है हम बल्ब लगा देते हैं। हमें मालूम है कि ये जो वी नॉट है या तो ये पॉजिटिव गेट करेगा या ये नेगेटिव गेट करेगा और या ये ज़ीरो होगा। लेकिन हम लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया, ये चीज़ें हम लोगों को कहाँ से पता चली, कंपैरेटर से पता चली। अब जैसे ये वी नॉट जो है पॉजिटिव गेट करेगा हमारा ये जो बल्ब है ये लाइटिंग करना शुरू हो जाएगा, मतलब कि इसके अंदर से हमें लाइटिंग होनी नज़र आना शुरू हो जाएगी या अपीयरेंस करना शुरू हो जाएगा यानी कि इसके अंदर ब्राइटनेस आना शुरू हो जाएगी। अब जैसे ही ये नेगेटिव गेट करेगा तो नेगेटिव गेट करने की वजह से क्या होगा कि ये बल्ब जो है वो बंद हो जाएगा, मतलब कि वो रोशन ही नहीं होगा, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि वी नोड ने जो है वो नेगेटिव गेट किया है। और अगर ये पॉजिटिव गेट करेगा तो सिर्फ उसी सिचुएशन में हमारा जो बल्ब है वो रोशन हो सकता है। और यहाँ पर हम एक जिस वोल्टेज को हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास VCC वोल्टेज है, जैसे कि हम लोगों ने कंपैरेटर में इसे यहाँ पर कनेक्टेड किया था ताकि हमारे पास आउटपुट वोल्टेज बन सके, सिमिलरली अपने रिक्वायरमेंट के अलावा के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे VCC वोल्टेज को अप्लाई कर दिया। अब चूंकि मैंने बात की है कि मैंने V पॉजिटिव को एज अ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के तौर पर यूज़ करने के लिए इसे R2 के साथ कनेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो V पॉजिटिव है वो किसके इक्वल आ जाएगा, VR2 के इक्वल आ जाएगा। अब अगर मुझे VR2 के बारे में बताना है तो ये वो वाला वोल्टेज होगा जो रेजिस्टेंस R2 के अंदर से फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो है हमारे पास कोई ना कोई करंट और उसके साथ R2 रेजिस्टेंस आ जाएगी। अगर मैं इसे इस तरीके से बताऊँ कि ये मेरे पास रेजिस्टेंस R1 है, इसके बाद यहाँ पर मेरे पास रेजिस्टेंस R2 आई है, इसके साथ हम लोगों ने जो सोर्स अप्लाई किया हुआ है वो मेरे पास VCC है, इस तरीके से एक वोल्टेज है जो हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया है और ये हमारे पास सर्किट कम्प्लीट है। अगर अब मुझे I के बारे में बताना हो तो मैं I को इस तरीके से लिख सकती हूँ कि मेरे पास CC वोल्टेज डिवाइडेड बाई IR जो हमारे पास आ जाती है R इक्विवेलेंट। यहाँ पे चूंकि दो रेजिस्टेंस इस्तेमाल हो रही है तो मुझे R इक्विवेलेंट लिखना चाहिए, जिसका मतलब है मेरे पास जो करंट आ जाएगा वो VCC डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट, इसका मतलब है R1 प्लस R2 के इक्वल आ जाएगा, R1 प्लस R2 के इक्वल आ जाएगी ये वाली सारी की सारी चीज़। अब मैं इसे इस तरीके से लिख सकती हूँ कि चूँकि ये करंट के बारे में रिलेशनशिप है तो मैं इसे यहाँ पे VCC डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 के फॉर्म में लिख सकती हूँ इनटू R2 लिख सकती हूँ। तो ये बेसिकली मेरे पास VR2 के बारे में रिलेशनशिप आ गया है कि जो इस रेजिस्टेंस R2 के अंदर से करंट वोल्टेज फ्लो हो रहा है उसे मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, और वो वाला जो वोल्टेज है वो V प्लस वोल्टेज के इक्वल है जो कि इस कंपैरेटर को एज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पर यूज़ करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरीके से अब मेरे पास जो है VR2 के बारे में जो रिलेशन आ गया वो इस तरीके से आया कि R2 को मैं इस तरफ कर लूँ और R1 प्लस R2 को यहाँ पर लिख लूँ तो मैं VCC को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आराम से साइड पर लिख सकती हूँ। अब यहाँ पे तो हम लोगों ने ये वाला वो वाला फंक्शन निकाला है जो हम लोगों ने ऑपरेशन एम्पलीफायर को एज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए लगाया था, लेकिन हम लोगों ने इसी कंपैरेटर को इसी जो हमारे पास ऑपरेशन एम्पलीफायर है इसे इन्वर्टिंग बनाने के लिए क्या किया है कि हमारे पास वी नेगेटिव था उसे हम लोगों ने इस रेजिस्टेंस R3 के साथ इस लाइन में कनेक्ट कर दिया। ये वी पॉजिटिव तो R2 के साथ कनेक्टेड है ना, और जो हमारे पास V नेगेटिव है वो कनेक्टेड है R3 के साथ, तो R3 के साथ जब हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है अपने V नेगेटिव को तो ये उस इसलिए किया गया है ताकि हम अपने जो है ऑपरेशन एम्पलीफायर को इन्वर्टिंग टर्मिनल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ पर अगर मुझे V नेगेटिव के क्रॉस वोल्टेज चाहिए तो ये V नेगेटिव बेसिकली मेरे पास VR3 के इक्वल है, तो यहाँ पर मुझे अगर VR3 के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए
तो उसे भी मैं सेम इसी तरह लिख सकती हूँ कि जो करंट फ्लो हो रहा है इनटू R3 के इक्वल आ जाएगा। अब इस करंट के बारे में हम लोगों को रिलेशनशिप मालूम होना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए कि यहाँ पे मुझे मालूम है कि मेरे पास एक लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टेंस लगी हुई है, उसके बाद थोड़ा सा ही नीचे मेरे पास R3 रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये मेरे पास RLED है और ये R3 रेजिस्टेंस है। इसके साथ ही यहाँ पे एक और वोल्टेज सोर्स अप्लाई हुआ हुआ है इस तरीके से, जो कि हमारे पास VCC है, चूँकि ये सारी की सारी रेजिस्टेंस हम लोगों ने VCC के साथ कनेक्ट की थी, तो ये हमारे पास जो है रेजिस्टेंस आ गई। अब अगर इस केस में मैं करंट के लिए रिलेशनशिप निकाल लूँ तो मुझे मालूम है कि जो करंट है वो वोल्टेज डिवाइड बाय हमारे पास जो है जो हमारी टोटल रेजिस्टेंस है, जो हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसके इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पर जो वोल्टेज है वोल्टेज वो VCC के इक्वल है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास RLED प्लस R3 के इक्वल है। तो अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पर पुट कर दूँ कि ये मेरे पास VCC डिवाइडेड बाय RLED प्लस R3 इंटू यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है R3, ये मेरे पास R3 आ गई जो कि VR3 के लिए रिलेशनशिप निकल रहा है। तो VR3 को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ कि R3 डिवाइडेड बाय RLED प्लस R3 इंटू VCC। जिस तरीके से हम लोगों ने इसे क्वेश्चन ए को बनाया, सिमिलरली इसे क्वेश्चन बी को भी बना लिया। अब हमारा जो वेरिएबल सोर्स था जो कि वी नेगेटिव है, ये वेरिएबल सोर्स क्योंकि हमें मालूम था कि वी नेगेटिव के साथ हम लोगों ने अपना वेरिएबल सोर्स लगाया था, हम लोगों ने जब इसे ऑपरेशन एम्पलीफायर को ऐसा कंपैरेटर यूज़ किया था, तो अब ये हम लोगों ने वी नेगेटिव के साथ लगाया था। वी नेगेटिव जो था बेसिकली हमारे किसके इक्वल था, यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हुआ था, वेरिएबल पोटेंशियल सोर्स था जिसके साथ वो कनेक्टेड था, जिसके इक्वल उसे हम लोगों ने अज्यूम किया था। और ऑपरेशनल एम्पलीफायर को अगर जब हम लोग यूज़ करते हैं एज अ नाइट स्विच, तो नाइट स्विच के अंदर जो ये हमारे पास जाती है वेरिएबल सोर्स, ये वेरिएबल सोर्स डिपेंड करता है इस RLG के ऊपर। डे टाइम में हमें मालूम है कि लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारे पास RLD की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाती है, की वजह से क्या होता है कि वी नेगेटिव या VR3 जो है वो ग्रेटर देन होती है वी पॉजिटिव से। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो वी नोड, उसकी वजह से हमारे पास जो वी नोड है वो नेगेटिव गेट कर लेता है, और नेगेटिव होने की वजह से हमारा जो स्विच है जिसके साथ हम लोगों ने बल्ब लगाया है वो उस वक्त जो है वो ऑफ रहता है। और जैसे ही हमारे पास डार्कर होता है, मतलब कि अंधेरा छाने लगता है, तो उस वक्त लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से RLD की जो वो जो वैल्यू है वो हमारे पास इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। जैसे ही वो इंक्रीज होती है उस वक्त, तो हमारे पास वी पॉजिटिव जो है वी नेगेटिव और VR3 से जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और उस वक्त जो है वी नॉट हमारे पास पॉजिटिव साइन गेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो बल्ब है या जो भी नाइट स्विच हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो उस वक्त ब्राइटर होना शुरू हो जाता है, उस वक्त हमें रोशनी प्रोवाइड करना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जब हमारे पास वी नेगेटिव आ जाए, तो वी नेगेटिव हो या हमारे पास VR3 हो, अगर तो ये ग्रेटर देन वी पॉजिटिव है, तो इस वक्त जो हमारा वी नॉट है वो गेट करेगा नेगेटिव, और हमारा जो स्विच है वो ऑफ रहेगा। लेकिन जैसे ही नाइट आएगी, तो नाइट में क्या होता है कि वी नेगेटिव हो या VR3 हो वो स्मॉलर होना शुरू हो जाते हैं वी पॉजिटिव से, जिसके वजह से हमारे पास वी नॉट जो है वो पॉजिटिव चार्ज गेट कर लेता है, और हमारे पास जो नाइट स्विच है वो ऑन हो जाता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज अ कंपैरेटर यूज़ करते हैं, और कंपैरेटर के तौर पर ही हम लोगों ने एक नाइट स्विच बनाया है जो कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस के ऊपर ही चलता है, चूँकि हम लोगों ने एम्पलीफायर इससे बनाया है। अब कंपैरेटर को हम लोगों ने यूज़ कर लिया, कंपैरेटर से हम लोगों ने नाइट स्विच बनाना भी देख लिया, और हमने ये भी देखा है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर को किस तरीके से हम लोग इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इससे बेसिकली हमें सिर्फ ये पता चलता है कि हमारा वोल्टेज गेन किस तरीके से आएगा। तो ये कुछ ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में था, और कंपैरेटर के बारे में था, और किस तरीके से हम कंपैरेटर को एज अ नाइट स्विच के तौर पर इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में था।